कोरोना के बढ़ते प्रादुर्भाव के कारण देश भर में लॉकडाउन जारी है। यही वजह है कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। यदि 15 अप्रैल से लॉकडाउन खत्म हुआ तो विश्वविद्यालय भी तुरंत परीक्षा लेने संभव नहीं होगा। ऐसे में मंगलवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों ने उपकुलपतियों की बैठक ली। यही वजह है कि तुरंत परीक्षा नहीं ली जा सकती। आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक सिद्धार्थ विनायक काने ने भी 15 मई से पहले परीक्षा लेने में असमर्थता दर्शाई है। लॉकडाउन हटने के बाद निर्माण होने वाली परिस्थितियों पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर रहे हैं। योजना तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा तैयार की गई समिति के समक्ष सभी विश्वविद्यालयों की योजनाओं पर विचार करने के बाद ही परीक्षाओं का नियोजन किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से परीक्षाएं देरी से होगी, इसका परिणाम नए शैक्षणिक वर्ष पर भी पड़ेगा। यह भी स्थिति बन सकती है कि विश्वविद्यालयों के सेमेस्टर पैटर्न से परीक्षा लेना मुश्किल हो जाए। इस हालात में शैक्षणिक वर्ष के कार्यकाल को भी कम किया जा सकता है। कम समय मिलने से एक सत्र में दो सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं ली जा सकती। इस हालात में पुराने वार्षिक पैटर्न पर भी विचार किया जा सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।